सर मुझे 2 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। सर मैंने इतनी मेहनत की थी और आपने आज प्रमोशन प्रिया को दे दिया। सर उसे तो 6 महीने भी नहीं हुए ज्वाइन किए हुए। अरे तो इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, तुम्हें सिर्फ प्रमोशन चाहिए ना। यस सर, सर मैंने बहुत मेहनत की है, इतनी सेल्स लेकर आई हूँ उस कंपनी के। आई थिंक आई डिजर्व प्रमोशन सर। ठीक है मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब सर? देखो तुम्हें प्रमोशन चाहिए और मुझे सिर्फ एक रात के लिए तुम। सर ये क्या बकवास है सर? बकवास बकवास कहाँ है ये तो बिल्कुल फेयर डील है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। I'll complain about you, sir. हाँ 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 बिल्कुल जाओ करो कंप्लेंट मेरी, लेकिन तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई प्रूफ है? प्रूफ कैसे करोगे? नहीं बताना, मैं बताता। अगर तुम ये सब प्रूफ नहीं कर पाई तो मैं तुम पर एलिगेशन लगाऊंगा कि तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें प्रमोट नहीं किया तो तुम मुझे झूठे केस में फंसवा दोगी। ना तो तुम्हारे पास ये जॉब रहेगी और ना ही कहीं बाहर मिलेगी। देखो राधा, प्रिया को प्रमोशन चाहिए थी, उसे मिल गई और अब तुम्हें प्रमोशन चाहिए। मेरा दिल आ गया तुम पर, तो एक काम करो आज शाम को सबके ऑफिस से चले जाने के बाद तुम ऑफिस में रुको, ठीक है? और अगर नहीं रुकी तो तुम्हारी ये नौकरी तो गई। वेरी गुड, बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने। सर सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये गलत है सर। गलत कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सर देखिए प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए। सर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं कुछ टाइम पे खुद ही जॉब छोड़ दूँगी। अरे नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी आज तुम्हारी प्रमोशन तो हो ही रही है। प्लीज सर आप पीछे हो जाइए और मुझे जाने दीजिए सर। आज रात के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर। प्लीज सर आप पीछे हो जाइए और मुझे जाने दीजिए सर। अरे तुम्हें प्रमोशन नहीं लेना क्या? सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर। तुम ठीक हो ना? पुलिस और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो रो क्यों रही थी? क्या हुआ है मुझे बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू। यार तुम तो बहुत गलत सिचुएशन में फंस गई हो, बट आई थिंक आई हैव अ सॉल्यूशन। क्या? गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, 112 इंडिया ऐप, जिसके अंदर आप सिर्फ एक क्लिक पे सारी इमरजेंसी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इवन पुलिस, एंड आई थिंक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट उससे मेरी क्या हेल्प होगी? मेरे पास एक प्लान है। शाम को सबके जाने के बाद बॉस ने तुम्हें ऑफिस में रुकने को बोला, तो तुम सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करना और उसके बाद में एक क्लिक पर ही तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो कि यू आर इन अ प्रॉब्लम। उसके बाद में तुम अपना फ़ोन रख देना एंड पुलिस तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करती रहेगी और 5 से 10 मिनट में ऑफिस में भी आ जाएगी। इनफैक्ट जितना तुम बता रही हो, आई थिंक बॉस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश ज़रूर करेगी और पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। तुम्हें कुछ प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी जॉब भी बच जाएगी। हाँ। ठीक है। सर, इन्हें लेकर जाइए। आपको थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो तानी आज क्या होता? बस आगे से ध्यान रखना। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.